ये जो एक इंतहाई अजीब वाकया हुआ है नाजरीन, अमेरिका की 144 साला हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि एक सदर, फॉर्मर सदर, वो पहले इलेक्शन जीता, दूसरा इलेक्शन हारा, वो तीसरी दफा फिर उसने अपनी पार्टी की नॉमिनेशन ली और उसके बाद नॉमिनेशन लेके वो सदर मुंतखब हो गया है। अमेरिका के अंदर तरीकाकार आपको पता ही है, नवंबर के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर इलेक्शन होता है और जो फॉर्मल हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होती है वो 20 जनवरी को व्हाइट हाउस के अंदर ओथ टेकिंग होगी और सदर बाइडन चले जाएंगे और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वो आ जाएंगे। नाज़रीन, जब ये खबर ज़ाहिर है रात को जो नमूदार होना शुरू हुई, असेसमेंट आना शुरू हो गई, अमेरिकन मीडिया ने प्रोजेक्शन देना शुरू कर दी, तो इंटरनेशनल मीडिया ने, खासतौर पर प्रिंट मीडिया ने जिस अंदाज से इसके ऊपर रिएक्ट किया वो काबिले गौर है। सबसे पहले नाज़रीन आपके सामने रखते हैं द न्यूयॉर्क टाइम की जो है हेडलाइन, ट्रंप स्टॉर्म्स बैक, स्टनिंग रिटर्न टू पावर आफ्टर डार्क एंड डिफाइंड कंपेन। डार्क एंड डिफाइंड कंपेन, ये इसका तर्जमा आप जो भी आप समझना चाहें समझ लें कि इंतहाई उन्होंने जो है जिद वाली कंपेन करके वो इलेक्शन जीता है। बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ चैलेंजेस थे, मसाइल थे, केसेस थे, वो मुजरम भी साबित हो चुके हुए थे एक आध केस के अंदर। आपको पता है उनके खिलाफ डिफरेंट स्कैंडल्स जो है, सेक्स स्कैंडल्स में भी उनके खिलाफ खुले हुए थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जो है अमेरिकन अवाम का एतमाद हासिल किया। रॉयटर्स देख लें नाजरीन, ट्रंप क्लेम्स पावरफुल मैंडेट आफ्टर फॉक्स न्यूज प्रोजेक्ट ही हैज़ वन यूएस प्रेजिडेंसी। ये प्रोजेक्शंस आना शुरू हो गई। अगले देखें नाजरीन फॉक्स न्यूज़ की, ट्रंप इलेक्टेड, ये भी है फॉक्स न्यूज़। वाशिंगटन पोस्ट किस अंदाज से कह रहा है कि ट्रंप विंस पेंसिल्वेनिया, नियरिंग विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल रेस। नाजरीन, क्योंकि ये पेंसिल्वेनिया 19 इसके जो है इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, ये बैटल ग्राउंड स्टेट मानी जा रही थी और इसके ऊपर तबसरा तजिया यही था कि जो उम्मीदवार इस स्टेट को जीतेगा, क्योंकि ये स्विंग स्टेट में आती है, तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। इलेक्शन जो जीत लिया है, 270 इलेक्टोरल जो कॉलेज के वोट चाहिए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को 277 मिले हैं और उनके मदे मुकाबल कमला हारिस को 224। ये आपने देख लिया नाजरीन। अब इसके ऊपर आपको पता है मुख्तलिफ तबसरे तजिये पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं और मेरे पैनलिस्ट तो आपको पता है कल रात को भी हमने बात की थी कि अपनी अपनी जो कहा था कि आपके नज़दीक कौन जीत रहा है। तो सबसे पहले मैं जाता हूं अमेरिका के अंदर मौजूद हैं हसन अयूब साहब। एक तो हसन बताइए आप कौन सी स्टेट में हैं? वर्जीनिया मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेट्स ने जीती है, तो माहौल क्या है? क्योंकि दुनिया बड़ी स्टंड है, ज्यादा आपको पता है कि हैरान है, परेशान है, शॉक में है कि ये क्यों कर हो गया। एक वो शख्स जिसके खिलाफ ना सिर्फ केसेस थे, वो केसेस साबित भी हो गए, 34 फेलनीज एक केस के अंदर वो साबित हो गई और ये बताया जा रहा था कि अगर जो है ट्रंप इलेक्शन नहीं जीता तो इसके बाद जो है सारी उम्र उसकी जेल के अंदर गुजरेगी। लेकिन अमरीकी अवाम ने, वहाँ का जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके तबसरे तजिए, वहाँ के जो बहुत काबिल मुबसरीन थे उनके तबसरे तजिए, उनको जनाब पसे पुश्त डाला और उनको अलग कर दिया और अवाम ने अपना वोट दे दिया और रावी मेरे ख्याल में चैन ही चैन लिख रहा है। तो बताइएगा माहौल क्या है वहाँ पे अमरीका के अंदर इस वक्त? बिल्कुल खबर गुमन साहब, यहाँ पर अमेरिका क्या, वर्जीनिया आपको मालूम है कि ये बुनियादी तौर पर जो है ये ट्रंप की स्टेट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जहाँ से हार गए हैं, लेकिन बड़ा क्लोज कंटेस्ट था और एक टाइम के ऊपर तो वर्जीनिया के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने लीड करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तस्वर नहीं था कि यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंटेस्ट भी उनका ज्यादा क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पर भी यानी बिल्कुल व्हाइट हाउस से कुछ ज्यादा दूर जगह नहीं है, हाफ एन आवर का डिस्टेंस है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी वोट है वो सिक्योर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसकी वजह ये थी कि इवन के मेरी यहाँ के जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं इमाम माजिद, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई और इमाम माजिद से भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने पॉलिटिकल बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग खासे पैशनेट हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर। और मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि जी आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कैमिला हैरिस, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हमें उम्मत को आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए, जो भी जीते मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, अमेरिका रियासत के लिए बेहतर होना चाहिए और दुनिया के लिए बेहतर होना चाहिए। यानी जिस तरह स्कॉलर जिस तरीके से बात करते हैं तो उन्होंने तो अपने जो एक अपने ही तर्ज में बात की, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, चाहे मतलब वो
यानी पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि सूडानी कुछ लोग थे उनसे बात हुई, कुछ जो है वो दीगर यानी अफगान नेशनल थे उनसे बात हुई, कुछ तुर्की से बात हुई। तो मजमूई तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से फिजा बनी हुई थी, गो के ये जो यानी डेमोक्रेट्स का ये इलाका कंसिडर होता है, बट इवन देन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट भी किया और बड़े नॉमिनल जो वोटों से वो पीछे रहे। लेकिन जहां पर अगर सपोजिटली किसी ने अगर 1% वोट भी फालतू ले लिया है तो जितनी भी रियासत की इलेक्टोरल वोट्स होती हैं फिर वो कैंडिडेट्स क्योर कर लेता है। तो दैट्स हाउ कैमिला हैरिस जो है वो वर्जीनिया की तमाम इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने सिक्योर की। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अगर आप बात करें पूरे अमरीका के अंदर तो फिजा यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग।